मायापुरी न्यूज इन में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। द कपिल शर्मा शो में शामिल हुआ किशोर कुमार का परिवार। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आगामी वीकेंड एपिसोड में धमाल मचने वाला है। शो में बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। रंजीत, गुलशन ग्रोवर और किरण कुमार की मौजूदगी शो में चार चांद लगाने वाली है। कपिल के शो में हिंदी सिनेमा के पॉपुलर विलन ढेर सारी मस्ती, मजाक और फन करेंगे। गुलशन ग्रोवर ने शो में अपने साथी कलाकार डिम्पल कपाडिया, नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल और चंकी पांडे के सीक्रेट्स खोले। गुलशन ग्रोवर ने चंकी पांडे को रियल कंजूस बताया। उन्होंने बताया कि चंकी की शादी तक किसी और ने स्पॉन्सर की थी। रंजीत इससे पहले भी कपिल के शो में नजर आ चुके हैं। तब रंजीत ने प्रेम चोपड़ा और रजा मुराद संग कपिल के शो में शिरकत की थी। रंजीत ने कपिल शर्मा संग खूब मस्ती की। रंजीत को बॉलीवुड के खूंखार विलन के तौर पर गिना जाता है। इससे पहले कपिल शर्मा के शो में कलंकी स्टार कास्ट पहुंची थी। कपिल शर्मा के शो में बस किसी की कमी है तो वो सुनील ग्रोवर की है। फैंस फिर से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को साथ में देखना चाहते हैं। अंगूरी भाभी के घर के बाहर लगी लाइन, हर कोई कराना चाहता है चुनाव प्रचार। भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे के पास पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने के ऑफर हैं। एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर कोई उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। शुभांगी अत्रे ने खुलासा किया कि उन्होंने अब तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के 6 ऑफर ठुकरा दिए हैं। एक्ट्रेस ने कहा, ये ऑफर मुझे देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आए, लेकिन मेरे कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इनमें से ज्यादातर चुनाव प्रचार के ऑफर यूपी और छोटे शहरों से थे। शुभांगी ने चुनाव प्रचार के इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने प्रचार के इन ऑफर्स का हिस्सा बनने से मना किया। शुभांगी ने कहा, हर चुनाव में जिन टीवी एक्ट्रेस का घर घर में नाम है उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बड़ा अमाउंट ऑफर किया जाता है, लेकिन मैं निजी तौर पर इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। टीवी एक्ट्रेस की बॉलीवुड कलाकारों के ज्यादा लोगों के बीच पहुँच होती है, लोग उन्हें ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। कपिल के शो में बॉलीवुड के 3 आइकॉनिक विलन, मचेगा धमाल। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। शो में उनके परिवार से अमित कुमार, सुमित कुमार और लीना चंदावरकर ने कपिल शर्मा के साथ सेट पर एक उल्लासपूर्ण समय बिताया, जहां कीकू शारदा, कृष्णा और शो के पूरे कलाकारों ने सदाबहार गायक किशोर को श्रद्धांजलि दी। पटियाला बेब्स ने मनाया 100 एपिसोड पूरे होने का जश्न। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का लोकप्रिय शो पटियाला बेब्स ने हाल ही में 100 एपिसोड पूरे किए। परिधि शर्मा, अश्नूर कौर, अनिरुद्ध दवे, हुनर हाली के साथ साथ क्रू टीम में खुशी का माहौल था। ये मौका और भी खास हो गया जब शो के फैंस ने कलाकारों और क्रू को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर कदम रखा। पोस्ट पैकअप पूरी टीम एक केक काटने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई। परिधि शर्मा ने कहा, पटियाला बेब्स के 100 एपिसोड पहले बड़े मील के पत्थर हैं जिन्हें हमने एक साथ हासिल किया है। ऐसा लगता है कि हमने कल ही शूटिंग शुरू की थी और ये महसूस होता है कि हमने पहले ही 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ये रिश्ते हैं प्यार के में शुरू हुई केतकी की हल्दी की रस्म। राजन शाही का नया शो ये रिश्ते हैं प्यार के को दर्शकों ने बांधे रखा। शो के सभी किरदार पारंपरिक रूप से कपड़े पहने हुए और सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि शो में केतकी की हल्दी की रस्में शुरू हो गई हैं। दृश्यों में भव्य राजन शाही का स्वाद है। ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह ये रिश्ता है प्यार की भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। संध्या बिंदनी ने करवाया फोटोशूट, दिखा मॉडर्न लुक। टीवी की पॉपुलर बहू संध्या बिंदनी यानी दीपिका सिंह का लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में है। इन तस्वीरों में दीपिका का मॉडर्न लुक देखने को मिल रहा है। प्रेगनेंसी के बाद दीपिका की सक्रियता देखने लायक है। एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हैं। तस्वीरों में दीपिका बेहद स्टनिंग लग रही हैं। ये मल्टी कलर आउटफिट एक्ट्रेस पर काफी फब रहा है। लॉन्ग शर्ट के साथ दीपिका ने डेनिम शॉर्ट्स कैरी किया है। तस्वीरों में दीपिका का मॉडर्न लुक देखते ही बनता है। हाल ही में दीपिका कुकिंग शो किचन चैंपियन में नजर आई थी। दिया और बाती हम छोड़ने के बाद से फैंस दीपिका के नए शो के इंतजार में हैं। दिया और बाती हम में दीपिका ने आईपीएस ऑफिसर का रोल निभाया था। शो ने दीपिका को घर घर में पॉपुलर बनाया। टीवी सीरियल में दीपिका के अपोजिट अनस राशिद थे। दोनों की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया था। एली अब्राहम ने करवाया फोटोशूट। एक्ट्रेस एली अब्राहम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में वो अपनी हॉट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में एली ने एक हॉट फोटोशूट कराया है जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एली की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, फैंस को भी एली का ये फोटोशूट खूब पसंद आ रहा है। तभी तो कमेंट्स में सभी उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।
एली बिग बॉस 7 में नजर आई थी। शो में एली सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनका भोलापन और क्यूटनेस फैंस को भी खूब पसंद आया था। एली इसके बाद कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म में एली ने कपिल की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। दुनिया भर के गुरुद्वारों को एक साथ लाना चाहते हैं कपिल देव। क्रिकेट दिग्गज कपिल देव और दुबई के उद्यमी अजय सेठी गुरु नानक देव जी की जयंती के 550 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कॉफी टेबल बुक विद द सिक्स लेकर आए हैं। कुछ महीने पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में विद द सिक्स का अनावरण किया और अब ये जोड़ी इस अमेरिका लेकर जा रही है। विद द सिक्स सिख धर्म का जश्न मनाता है और दुनिया भर के 100 गुरुद्वारों के चित्रों और मूल चित्रों जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं उसे एक जगह पर संकलित करता है। कपिल देव और अजय सेठी वर्तमान में अमेरिका में इस किताब के साथ दौरा कर रहे हैं। कपिल देव ने अमेरिका में पुस्तक लॉन्च करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, ये अद्भुत था। वो लोग जो 30-40 साल पहले देश छोड़कर यहाँ आ गए थे, मुझे लगता है कि वो पहले से भी ज़्यादा वाहेगुरु के करीब हैं। हमारे पास शानदार लोग हैं, उनके पास इतना जज्बा, इतना जुनून है जिसे शब्दों में समझाना भी मुश्किल है। मायापुरी न्यूज एल में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।